सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने आए नक्सली बादल उरांव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर एक रिवाल्वर, 14 जोड़ा वर्दी और रंगदारी मांगने में प्रयुक्त एक मोबाइल पुलिस ने बरामद की है। लोहरदगा एसपी आर रामकुमार ने बताया कि बगड़ू थाना क्षेत्र में चल रहे विकास निर्माण कार्यों में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर बगड़ू थाना में एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। विगत 4 अगस्त को बगड़ू थाना पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के सुनील मुंडा और बजरंग लोहरा को नक्सली पर्चा और 3 एकनाली बंदूक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। इसी अनुसंधान में बादल उरांव और अन्य 2 नक्सलियों के नाम सामने आया। बगड़ू थाना पुलिस सेन्हा थाना क्षेत्र के बर चोरगाई से बादल उरांव को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर एक रिवाल्वर और 14 जोड़ा नक्सली वर्दी बरामद की गई है। वहीं पीएलएफआई नक्सली संगठन के अन्य 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। लोहरदगा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। एक बादल उरांव भी इसमें इन्वॉल्व था और उसका भी इस केस में संलिप्त है और उसका भी पास भी हथियार वगैरह से इंफॉर्मेशन है। उसी के आधार पर ही रेड हुआ था और उसमें उनके निशानदेही पर हथियार बरामद हुआ और इन लोगों को द्वारा कुछ वर्दी वगैरह तैयार किए वो भी बरामद हुआ। इस संगठन से जुड़ा हुआ है ये? अभी ये लोग ये अनुसंधान का विषय है, पूरा मतलब डिटेल अभी ये लोग बता रहा है हम पीएलएफआई का संगठन के लिए, बट प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा, बट फिर भी ये अनुसंधान में। कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए? 3 लोग गिरफ्तार हुआ है और कितना वर्दी और 2 लोग हैं, तो उसको भी हम लोग छानबीन चल रहा है। क्या बरामद हुआ? एक 6 रिवॉल्वर और 14 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म और मोबाइल।